अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 3 शिमला मिर्च लिया है मीडियम साइज़ का। इसको मैंने धोकर क्यूब में काट लिया है। 3 मीडियम साइज़ के आलू, इसको मैंने धोकर इसे भी क्यूब में काट लिया है और इसे पानी के अंदर रख दिया है। 3 टमाटर है, 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 बड़ी साइज़ की प्याज, जिसे मैंने मिक्सी जार में डालकर 1 सेकेंड के लिए चला लिया था, तो इस तरह फाइन चॉप एकदम हो गया है। आप चाहें तो हाथों से बारीक काट के रख लें। मिक्सी जार में डालकर करने से क्या होता है, टाइम भी बचता है और फट से हो जाता है। तो यहाँ मैंने दोनों को मिक्सी जार में डालकर अलग अलग बस 1 सेकंड के लिए मैंने चलाया और इस तरह से एकदम बारीक हो गया। यहाँ पे मैंने पैन को गरम किया है, इसके अंदर डालेंगे 2 से 3 टेबल स्पून तेल। तेल गरम होते ही डालेंगे 1/2 टी स्पून ज़ीरा और साथ में प्याज भी डालेंगे। प्याज को थोड़ा भूनेंगे लाइट ब्राउन होने तक। अब डाल देंगे इसके अंदर लहसुन, इसे मिक्स करेंगे 30 सेकेंड, इसे भून लेंगे प्याज के साथ। 30 सेकेंड भूनने के बाद डालेंगे 1/2 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल देंगे, 1 से 2 चम्मच पानी डालेंगे। इसे मिक्स करके भून लेंगे 1 से 2 मिनट। एक मिनट भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे आलू, इसे मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 से 2 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस इतना पानी डालेंगे और हम इसे ढक देंगे। और इसे हम लो टू मीडियम हीट पे 5 से 7 मिनट पका लेंगे ताकि आलू जो है वो गल जाए। आलू गल रहा है जब तक हम टमाटर को ग्रेट कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बारीक काट के डाल दें, तो मैं इसे ग्रेट कर लेती हूँ। इसको ग्रेट करने से क्या होता है, इसका छिलका जो है वो निकल जाता है। देखो ये छिलका निकल जाता है और जो इसका है ये निकल जाता है। इसके सारे पल्प निकल गए हैं और इसका छिलका भी निकल गया है, तो छिलका हम फेंक देंगे। तो यहाँ पे सारा पल्प मैंने निकाल दिया है टमाटर का। आलू चेक कर लेते हैं, तो ये आलू तकरीबन 80-90% गल चुका है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च, इसे मिक्स कर देंगे। आप तेल, नमक, मिर्च अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। कोई तेल ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो आप अपने हिसाब से तेल हर चीज़ें डाल सकते हो। मिक्स करने के बाद वापस हम इसे ढक देंगे। बस 1 चम्मच पानी डाल देंगे जो ये मसाला लगा है। अब इसे हम वापस ढक देते हैं और उसी लो टू मीडियम फ्लेम पे हम 5 मिनट, 4 से 5 मिनट हम इसे कुक कर लेंगे। बीच में एक बार इसे चेक कर लें ताकि नीचे जले नहीं। 3 से 4 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो मैंने इसे बीच में एक बार खोल के चला दिया था। जो शिमला मिर्च है इसे हमको एकदम से गलाना नहीं है, क्रंची रखना है, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है और मैं अभी लंच के लिए सब्ज़ी बना रही हूँ,
और दोपहर का इस वक्त 3:30 होने को आया है, तो बहुत लेट हो गया है आज। बाहर की कोई एक्टिविटी नहीं है, स्कूल कॉलेज सब बंद है, तो सब गड़बड़ चल रहा है रूटीन। 12 बजे नाश्ता, 4 बजे लंच, 12 बजे डिनर। तो मैंने इसे ढक दिया है, 2 मिनट और पका लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो ये जो है शिमला मिर्च, ये भी सॉफ्ट हो गई है। अब इसके अंदर हमको डालना है टमाटर, इसे मिक्स करेंगे। तो हमने मिक्स कर दिया है, अब इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर। आप तवे पे भून लें और इसे बारीक पीस कर किसी डिब्बे में करके रख दें, जब ज़रूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लें। तो ये डाल दिया हमने, इसके अंदर डालेंगे कटी हुई हरी धनिया थोड़ा, मिक्स करेंगे। अब इसे ढक देंगे और 1 मिनट के लिए हम पका लेंगे, ताकि सारे मसाले और सब्ज़ी और टमाटर जो है सब है अच्छे से एक में मिक्स हो जाए और सब। अभी चेक कर लेंगे। तो ये बहुत ही यम्मी सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। इसके अंदर बहुत ही कम मसाले मैंने यूज़ किए हैं और बनाना भी ये बहुत ही आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो अब हम गैस का चूल्हा बंद कर देते हैं और इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो ये हमारी शिमला मिर्च की और आलू की सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है। ये बनाना तो बहुत ही आसान है, आप भी इसे बनाएं। दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी एक और रेसिपी के साथ।